एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इंडिगो के विमान के पायलट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उड़ान भरने में देरी की वजह से एक यात्री परेशान हो गया था और इसके बाद यात्री की पायलट से कहासुनी हो गई। मामला आगे बढ़ता गया और धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में घने कोहरे की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब आरोपी पर एक्शन का भरोसा लिया है, लेकिन यात्री और पायलट के बीच ये धक्का मुक्की की तस्वीरें भी अब सामने आई है। इंडिगो के फ्लाइट लेट होने की वजह से यात्री परेशान था और पायलट को इसने मुक्का मार दिया है। बताया जा रहा है कि फॉग की वजह से विमान के टेक ऑफ में देरी हो रही थी और इसी वजह से ये यात्री गुस्से में आ गया और इसने पायलट को ही मुक्का जड़ दिया। और अब पुलिस आगे एक्शन की बात कर रही है। ये तस्वीरें भी सामने आई है, इंडिगो के पायलट को एक यात्री ने ही मुक्का मार दिया। दिल्ली से आ रही ये बेहद अहम खबर, घने कोहरे की वजह से फ्लाइट डिले थी और फ्लाइट लेट होने की वजह से यात्री गुस्से में आया और इसकी पायलट से कहासुनी बढ़ गई। बात मारपीट तक पहुंच गई और यात्री ने पायलट को मुक्का जड़ दिया। मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, दो फरार। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, दुकान में काम करने वाले कर्मचारी को मारी गोली, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने तैनात किया एंटी ड्रोन सिस्टम, पाकिस्तान की ओर से होने वाली ड्रोन की घुसपैठ को नाकाम करने में मिलेगी मदद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से GRAP 3 लागू किया गया, 8 सूत्री प्लान भी लागू किया। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और कोहरे की मार, दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बहुत कम, कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से IGI एयरपोर्ट पर उड़ाने प्रभावित, कई घंटे की देरी से उड़ रही है फ्लाइट, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। ठंड और भीषण कोहरे की वजह से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें प्रभावित, 22 से ज्यादा ट्रेनों के लेट होने से हजारों यात्री परेशान। यूपी के गाजियाबाद में छाया घना कोहरा, लोगों का घर से निकलना मुश्किल, कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। ग्रेटर नोएडा में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे का सितम, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ियों की रफ्तार थमी। जयपुर में घने कोहरे और भीषण ठंड का असर, भीषण ठंड से बचने के लिए लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, वृंदावन गोवर्धन आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कड़ाके की ठंड से लोगों की बड़ी मुश्किलें, घरों से निकलना हुआ मुश्किल, लोगों को अलाव का लेना पड़ रहा है सहारा।